सड़क किनारे आपके घर के आसपास मिलने वाला ये पौधा और इसकी जड़ और इसके पत्ते हैं बड़े कमाल के। देखिए जानिए इसका प्रयोग। अगर आपने इसका प्रयोग करना सीख लिया तो आप अपने दर्दों को, अपने कई रोगों को घर बैठे कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम लेंगे आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर यशोमीत जी से। जड़ का प्रयोग बताएंगे, इसके पत्ते का प्रयोग बताएंगे और आपको अपने दर्दों में कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो भी पूरी विधि आज आपको विस्तार से बताएंगे। सर, इसके पत्तों का और जड़ों का क्या फायदा है? सबसे पहले तो हम दर्द की बात करते हैं। दर्द में हम इसे लेप लगा के हल्दी का और तेल का, जैसे हमने ये लगा रखा है, ऐसे लगा के हम इसे बांध भी सकते हैं। ठीक है, आप इसमें नी जॉइंट में यानी घुटने के दर्द में बांध सकते हैं, आप इसको सर के दर्द में बांध सकते हैं। इस पत्ते का या एक जड़ का हम लोग चूर्ण बना के हम इसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में भी दे सकते हैं। इसकी जो मूल है ये बच्चों में भी दी जाती है, जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको भी हम ये बच्चों को भी दे सकते हैं, 5 से 6 साल के बच्चों को भी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम इस मूल से कैसे काढ़ा बनाएंगे और काढ़े को कैसे हम प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल को काट के हमें इसे अच्छे से कोट पीस लेना है, इसका चूर्ण बन जाएगा जो कि ब्राउन कलर का फॉर्म में आएगा। इसे हमने 1/2 चम्मच लेना है, उसे डाल लेना है, 4 ग्लास पानी साथ में डालना है। 4 ग्लास पानी डालने के बाद हमें इसे गैस पे तब तक उबालना है जब तक ये 1/4 रह जाए। ये जो एरन का हमने क्वाथ बनाया है ये हम कॉन्स्टिपेशन में भी पेशेंट को दे सकते हैं, सिर के दर्द में भी दे सकते हैं। इस क्वाथ से हम आपका स्वेदन करवा सकते हैं, आपके घुटनों के दर्द को दूर कर सकते हैं। तो ये जो पेड़ है, ये जो पत्ते हैं, आपके घर के आसपास अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इन्हें जाइए लेके आइए, घर में ही अपना काढ़ा बनाइए और सुबह शाम भी आप इन्हें डेली लाइफ में पी सकते हैं। ठीक है, अब आपको चूज कैसे करना है, जो पत्ता थोड़ा हरा हो और लाल रंग का दिख रहा हो वही पत्ता आपको लेना है और मूल आपको यानी जड़ उसको जो है ऐसे मिलेगी आपको जो सूखी हुई जड़ हो। ठीक है, जो ब्राउन हो चुकी हो वही जड़ आपको लेके आनी है। सर, इसमें कोई सावधानी रखनी होती है जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो? देखिए, अगर आप इसको पत्ते को अपने घुटनों पे बांध रहे हैं तो तब हमें सब सावधानी रखनी की जो रात को बांधा हुआ पत्ता है वो सुबह खोल देना है और सुबह बांधना हुआ पत्ता रात को खोल देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो काढ़ा है, काढ़े में हम और कुछ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ इसके मूल का चूर्ण मिलाएंगे। ये पेन में, स्वेलिंग में आपको बहुत आरामदायक है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है एरंड की मूल में, एरंड के पत्तों में विटामिन B6 पाया जाता है, B12 पाया जाता है। जिस भी शरीर में कमियां हैं वो ये काढ़ा दिन में 2 बार नहीं तो सुबह के टाइम पे जरूर पी सकता है। आप भी इस तरह की आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो कर ले और इस प्रकार की अधिक जानकारी के लिए, आपकी बीमारी, आपका रोग पुराना है, नया है, ठीक नहीं हो रहा है, घरेलू नुस्खे अपना कर भी, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करके अपना इलाज करवा सकते हैं।